आंखें खोलो इंडिया में वक्त है आज की हैरान करने वाली खबर का। यूपी के राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम आसरे कुशवाहा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अश्लील डांस देखते पाए गए। कई कैमरों के सामने मंत्री जी अश्लील डांस का लुत्फ उठाते दिखे। राम आसरे कुशवाहा कैसे पहुंचे इस महफिल में, देखिए रिपोर्ट। अक्सर हीरो फिल्म में नेता का रोल करते दिखाई देते थे, लेकिन यूपी के राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के महासचिव राम आसरे कुशवाहा फिल्मों में राजनेता का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन ये राजनेता मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं देता है, बल्कि कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। राम आसरे कुशवाहा उधम सिंह नगर में हो रही फिल्म की शूटिंग के दौरान दो डांसर्स के अश्लील डांस का लुत्फ उठाते देखे गए। नजारा कुछ यूं था कि सिर पर टोपी लगाए दो डांसर अश्लील डांस कर रही थी और मंत्री जी तख्त पर अपने दो तीन साथियों के साथ आराम फरमा रहे थे। यूं तो नेताजी अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर कारों की काफिले के साथ चलते हैं, लेकिन शूटिंग के लिए आए नेताजी ने ना तो इसकी खबर प्रशासन को लगने दी, ना ही पुलिस को इस फिल्मी दौरे की जानकारी थी। यहाँ तक कि जिला प्रशासन से भी शूटिंग की अनुमति नहीं ली गई। जब शूटिंग या कुछ करते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग की परमिशन लेते हैं, पुलिस व्यवस्था वगैरह के लिए भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं जिससे वहाँ पे दिक्कत नहीं आए। किसी सरकार के कोई राज्य मंत्री यहाँ आ रहे हैं या कोई इस तरह की फिल्म की शूटिंग हो रही है। मुलायम सिंह बार बार अपने नेताओं को छवि सुधारने की नसीहत देते हैं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के कई नेता अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। फिल्म में किरदार निभाना गलत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक राज्य मंत्री का अश्लीलता परोसती फिल्म में किरदार निभाना सही है। नाहिद खान, इंडिया टीवी, उधम सिंह नगर।